सकता विशेष है। राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो नाक रगड़ करके बिहार की जनता से माफी मांगे नीतीश कुमार जी। बिहार में अपराध का ग्राफ 23 में कम हुआ, जिसकी बात की तो 23 में कौन था उप मुख्यमंत्री, कौन था? स्वाभाविक है कमेगा, इच्छा शक्ति चाहिए ना। आंकड़े निकाल लो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, लालू जी के शासनकाल से ज्यादा अपराध नीतीश जी के शासनकाल में हुआ कि नहीं? जो लोग राजनीति करते हैं वो देश के संविधान के खिलाफ है। देश का हर नागरिक इस देश का है, हर धर्मावलंबी इस देश का है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं जो बयान दे रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं और लगातार सरकार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आज सदन था और ऐसे में विपक्ष का नेता ही गायब थे, तो ये लोग सिर्फ एक बिहार में नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे। विपक्ष कर रही है कि जब बारी आई बात करने की, समाधान की, तो आपके नेता ही गायब हो गए विपक्ष के। बिहार में अपराध है, ये हर व्यक्ति का बोल रहा है। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, सुबह निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, उसमें भी जान सुरक्षित नहीं है। अब तो सोते रहता है लोग, उसको भी सुरक्षित नहीं है। शहर हो या गांव, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। तो अपराध पर सवाल खड़ा करना तो दायित्व है ना आम आदमी का। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन है, मेन अपोजिशन है। बिहार को गर्त में जाता चुपचाप हम चुप्पी साध ले? बिहार के नेता, बिहार के शासक की अगर अवस्थाएं अचेत हो जाए, मुद्रा थका है, तो क्या ऐसे ही बिहार को बर्बाद होने देना चाहिए? पुलिस का मनोबल को गिराने में सरकार बड़ी काम कर रही है। एक रिटायर अधिकारी अपने जूते के नोक पर सरकार चलाती है। आप बताइए कि पुलिस तंत्र को रिटायर अधिकारी चलाएगा? एडीजी रैंक के अधिकारियों को डीजी रैंक के अधिकारियों की नहीं सुनी जाएगी तो बिहार में कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो जाएगा? बोली चाली के आधार पर पदस्थापित करिएगा तो जाएगा तो संग्रही मुद्रा में रहेगा ना, तो कानून का राज स्थापित कैसे होगा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार बुलेटिन जारी करके कहा कि देखो बिहार की सूरत हाल, निजी कार से बाहर है, सबको पता नहीं था ये कमर में दर्द है, पूरा बिहार पूरा देश देखा है ना, पूरा देश और बिहार देखा है ना। तेजस्वी जी वो जानते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और करेंगे, बाखूबी करेंगे, सब कुछ देखेगा लोग। आज का सदन जननायक के निधन पर समाप्त हो गया, कल का सदन है 23 का, फिर बिल पेश होगा। नेता प्रतिपक्ष के जो अपने कर्तव्य है उसका निर्वहन करना जानते हैं, ये आपस और वापस करने वाला लोग क्या माँ भारती के नाम पर जो संतान बने हुए उनका क्या मतलब है? आपस वापस करने का है, ककहरे का बढ़िया से ज्ञान नहीं है। बात करते हैं तेजस्वी जी की, कितना है बेली विकेटर हमको मालूम नहीं है क्या? चार लाइन बोलने में पसीना छूट जाता है। चले तेजस्वी जी से तुलना करने। लेकिन आप लोग लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी बैठक बुलाई थी और एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध का ग्राफ गिरा हुआ है, सुधार। 23 की बात कहा उन्होंने, बिहार में अपराध का ग्राफ 23 में कम हुआ, जिसकी बात की तो 23 में कौन था उप मुख्यमंत्री, कौन था? स्वाभाविक है कमेगा, इच्छा शक्ति चाहिए ना। आंकड़े निकाल लो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, लालू जी के शासनकाल से ज्यादा अपराध नीतीश जी के शासनकाल में हुआ कि नहीं? वो जमाना खत्म हो गया कि आप थोथे दलील देके निकल जाइएगा, यहाँ एक एक चीजों का हिसाब किताब है।
विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आज हो गया है कि बिहार को नहीं मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो नाक रगड़ करके बिहार की जनता से माफी मांगे नीतीश कुमार जी। विशेष राज्य के दर्जा की बात किया था, अब विशेष राज्य के दर्जे से कम या सब उसके बदले कोई मंजूर नहीं है। विजय चौधरी का विशेष पैकेज ही दे दीजिए। अरे अरे इन लोग तो सष्टांग है, इन लोग की क्या हैसियत, राजनीतिक हैसियत है, चरण वंदना में लगा हुआ है। यही जब हमारे साथ थे तो पैतरा करते थे, अभी सिट्टी पिट्टी भाजपा बंद किए हुए है हिम्मत बोलने का। सब जिलेबी को इनका जो उतारते हैं ना जिलेबी, सब जिलेबी इनका समाप्त कर दिया है। विशेष राज के दर्जे से नीचे कोई चीज मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री बोले थे रमना मैदान में, डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तब तो डबल ट्रबल सब है, अब तो दे दो। जिनके हाथ में चाबी है केंद्र की, जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, थके हुए हैं, उसको जाग करके मांगना नहीं चाहिए। खाली बलाई चाबने के लिए सत्ता में भाग जाए रहिएगा। क्या लग रहा है आप लोग को, अगर मौका मिलेगा तो आप लोग विशेष राज्य की दर्जा दिला पाएंगे? उससे नीचे कोई बातें नहीं करेंगे, उससे नीचे कुछ मंजूर नहीं। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से यूपी में नेम प्लेट लगाने को लेकर कांवर यात्रा को लेकर अंतिम रोक लगा दी है, यह निर्णय हताशा का परिचायक है। जाति धर्म और मजहब के चश्मे से जो लोग राजनीति करते हैं वो देश के संविधान के खिलाफ है। देश का हर नागरिक इस देश का है, हर धर्मावलंबी इस देश का है, ये बात याद रखनी चाहिए। एनडीए के नेता कह रहे हैं और जो बीजेपी के नेता कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत। हमने कहा कि भाई गूंगी बहरी सरकार है, यहाँ यूपी हो रहा है कि लागू कर देंगे, कोई मान लेगा तो सोंटा लेकर रह जाएगा ना, गांव में गांव तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, विशेष पैकेज ही नहीं, हमें विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को कोट भी किया। बराज को इतना ही, इसे तमाम बन रहे हैं झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।